लाइंस कट दिया, पाइप पे फूक मार निकाल के। ये पाइप, ये सही है, नहीं खुला है, बिल्कुल सही है, नहीं खुला है, पानी ठहरा हुआ है। ठीक है, अब इसको स्पिन में डाल, खाली सिर्फ स्पिन में डालो, ये सील खुलनी नहीं चाहिए। वॉश पे रखते हैं, फर्स्ट टाइम ये एक्टिव होती है, इसके बाद ये सील ओपन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये डबल स्प्रिंग का ये कमाल है, इसके अंदर जिधर भी तीन तार वाली मोटर होगी वहाँ पर ये इश्यूज़ होंगे। फर्स्ट टाइम खींचने में ये एक्टिव हो जाएगी, जब वॉश पे जाएगी तो आपकी सील ओपन नहीं होनी चाहिए। अब ये रिंस मोड पर गई, ज़बरदस्त पूरा ओपन हो रहा है, पानी आ जाना चाहिए, लेकिन मशीन इसके बाद भी पानी नहीं दे रही है। शहबाज पूरा ओपन हो गया है लेकिन पानी लीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि कुछ अंदर फंसा हुआ है, नहीं तो इतना बड़ा खुला है कि पानी तो आ जाना चाहिए था, तो पानी अभी तक नहीं आ रहा, इसका मतलब पाइप के अंदर कुछ ना कुछ फंसा हुआ है जो पानी आने नहीं दे रहा। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे क्या फंसा हुआ है। ड्रेन मोटर हटाने के लिए आपको 8 नंबर की तामी चाहिए। ठीक है, मेरे भी जना देखो दोस्त, ये पूरा आपको यहाँ से खोलना है। ठीक है, 8 की तामी का साइज़ है ये स्क्रू का, आपको इसकी ड्रेन सील खोलने के लिए सबसे पहले ये मोटर को अलग करना है। अगर इसके बगैर आप खोलने की कोशिश करोगे तो इसकी ड्रेन सील नहीं हटेगी। ठीक है, मशीन को पूरा आपको ले डाउन करना पड़ेगा, लिठाना पड़ेगा, इसके बाद ही इसमें काम कर सकोगे। ये देखें मोटर इस तरीके से अलग हो जाती है, ये इस तरीके से मोटर पहले अलग होगी, इसके बाद ही बाकी चीज़ें होंगी। अब देखें ये आपकी मशीन की सील है, अब मशीन की सील को ओपन अप करना है आपको। ये थोड़ा फोर्स मांगता है, थोड़ी ताकत लगती है, किसी चीज़ से पकड़ के इसको खोलना पड़ेगा, या अगर आपके पास पाइप पान हो तो पाइप पाने से भी खोल सकते हो। देखा, ये जब ये खोल लोगे ये इस तरीके से मशीन बाहर आ, ये सील इसकी निकल आती है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, पानी को चेक करना है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ फंसा हुआ है, कुछ नहीं फंसा हुआ है। मुझे लग रहा है अभी भी बहुत कुछ फंसा हुआ होगा, लेकिन वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें मशीन इसकी वजह से पानी बाहर थ्रो नहीं कर रही, जिस हिसाब से गंदगी जमा है तो मशीन इस वजह से पानी थ्रो नहीं कर रही। ठीक है, देखें वाजे नज़र आ रहा है, अब इसको जब तक साफ़ नहीं करेंगे मशीन इसी तरीके से चोकिंग करती रहेगी, इतनी जब चोकिंग होगी तो पानी किधर से बाहर आएगा। ठीक है, तो हमने जो इसके अंदर स्प्रिंग लगाया था वो बराबर काम कर रहा है, हर चीज़ एक्टिव है, हर चीज़ काम कर रही है, लेकिन पानी बाहर नहीं निकल रहा, तो सील हमारी काम कर रही है, लेकिन ये जो चोकिंग आपको नज़र आ रही है पानी इसकी वजह से बाहर नहीं आ रहा। तो अब हम इसमें स्वीप डालेंगे, इसको पानी को काटेंगे और फिर वापस से आपको दिखाएंगे। तो ये मोटर को निकालने का, सील निकालने का तरीका यही था जो हमने आपको गाइड किया। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा हो भाई को तो कमेंट में पूछ सकता है।
इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग हमेशा हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ये अभी इसमें अच्छा खासा कचरा जो भरा हुआ था वो हमने पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी ये क्लियर है, ठीक है। और जहाँ से आपको कचरा नज़र आ रहा था, देखें ये जगह भी आपको दिखा दूँ, ये देखें अंदर से भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। और यही रीज़न था कि यहाँ पर बार बार कचरा आ रहा था, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम ज़्यादा बन रही थी। तो अब ये पूरा पाइप जो है वो क्लियर हो चुका है, तो अब हम जो वापस सेटिंग लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ का कभी भी ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो देख के आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि देखें कचरे को किस तरह। स्वीप के बारे में मैंने बताया था कि लाइन साफ़ करने के लिए स्वीप का यूज़ कर सकते हैं, वो सारे कचरे को गला देता है, ठीक है। उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान कोई भी नहीं है, लेकिन सारे कचरे को वो गला देगा तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरीके से देखें आपको ये स्वीप जो है वो स्वीप इस तरीके से पुश करना है, ये देखें आधी बोतल मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। ये जब आप डालते हैं तो देखें इस तरीके से ये झाग बनने लगता है, तो ये जब झाग बनने लगता है तो जहाँ कहीं भी कचरा होगा ये उसको खाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड रहने दें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि प्रॉपर तरीके से आपकी जो मशीन है वो वॉश हो जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, जब आप ये स्वीप डाल देंगे फिर इसके अंदर थोड़ा पानी मिक्स करें और इसके बाद वॉश मोड के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए मशीन को एक्टिव कर दें, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी हमने थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको बंद करके रख देते हैं और अब हम इसको साइड कर देते हैं, थोड़ा सा पानी फिल करेंगे इसके अंदर और फिर इसके बाद आपको बताएं।